योऽन्तः प्रविश्य मुवाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरैश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणद्वगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरी सुकशोनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतान् हम परम भागवत न स्मरामि। ओम भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन करू नाशय विघ्न अनेक। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु के नर रजन चर कृपा करहु अवसर्व। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान बंधु सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। ओम श्री हरे नमः। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। कहते हैं कि चंपावती नामक नगरी में एक महिष्मान नाम के राजा रहते थे। वो बड़े धार्मिक थे, लेकिन जो उनका बड़ा पुत्र था लुम्पक वो बड़ा दुराचारी था, और ऐसे दुष्कर्मों के कारण जो है पिता ने उसको, जब जनता ने शिकायत किया, प्रजा के लोगों ने शिकायत किया, तो पिताजी ने अर्थात राजा ने जो है, और महिष्मान राजा ने नगर से निकाल दिया। वो जंगल में रहता, रात को नगर में आकर के चोरी करता, नाना प्रकार की नेगेटिविटी करता, उसके पश्चात फिर जंगल में भाग जाता। इस तरह से जब सेना ने और दबाव दिया तो जंगल में ही रहने लगा, और वहीं पर जो है जीव जंतुओं की हिंसा करके और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार क्या हुआ, दशमी की रात्रि को, पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूटमार किया, अत्याचार किया, लेकिन उसके पास में और जो वस्त्र थे वो पुलिस वालों ने उतरवा लिए, जो राज्य की पुलिस थी उसको भेज दिया। तो जंगल में और ठंडी की वजह से और थोड़े से फल नीचे गिरे हुए थे उन्हीं को लाया, और पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। वो बिल्कुल भी वो फलों को खाने में असमर्थ था। इसी तरह से रात्रि में और पूरा रात्रि ऐसे ही व्यतीत किया, भगवान से प्रार्थना करता रहा, कुछ भी नहीं ग्रहण किया। अब प्रातः काल होते ही और एक आकाश मार्ग से बड़ा दिव्य घोड़ा आया, और आकाशवाणी हुई, अरे लुम्पक, ये जो व्रत किया है, चाहे आपने अनचाहे ही ये व्रत किया है, इसके कारण से आपके सब पाप नष्ट हो गए, और आप पिताजी के पास में चले जाइए और अपने राज्य को ग्रहण कीजिए। घोड़े पर सवार होकर के पिताजी के पास में गए और पिताजी से कहा कि ऐसे इस तरह से जो है आकाशवाणी हुई है। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, और पिताजी जो है राजा बना करके लुम्पक को और वन की ओर गमन किए। कहने का तात्पर्य क्या है कि एकादशी का व्रत जो है, चाहे अनचाहे किया जाए, जैसे अग्नि को चाह करके छुआ जाए या अनचाहे छुआ जाए तो वो पुण्य प्रदान करती है, वो अपना प्रभाव दिखाती है, अग्नि जो है जलाती है। इसी तरह से सत्कर्म जो है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। इसीलिए संत गौ ब्राह्मण माता पिता पूज्य जनों के लिए हमारे हृदय में जितना श्रद्धा भाव प्रेम होगा उतना ही हमारे जीवन में आनंद प्राप्त होता है। ओम श्री हरे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लवं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। ओम श्री हरे नमः।